नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी डॉट कॉम में। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। कोरोना वायरस के कारण पूरे अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, यानी कारोबार का बंटाधार हो चुका है। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार नीचे गिर रही हैं। कीमत कम होने के बावजूद केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये बढ़ा दी। इस बढ़ोतरी के बाद से ही लोगों में एक डर फैल गया कि क्या अब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी और मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों किया, इससे आम लोगों की जेब पर क्या असर होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें गिरने की वजह से डीजल पेट्रोल के दाम भी कम होने थे, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उन्हें स्थिर रखा और मुनाफा सरकारी खजाने में रखने का फैसला किया है। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो बता दें कि एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो भारत के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने या उसे बेचने पर लगाया जाता है। सरकार इस पैसे से रेवेन्यू जनरेट करती है और फिर उससे समाज कल्याण के काम करती है। बता दें कि यह कस्टम ड्यूटी से बिल्कुल अलग है जो बाहर से देश में आने वाली चीज़ों पर लगता है। अब सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये बढ़ाई है, यानी अब सरकार की कमाई प्रति लीटर डीजल पेट्रोल 3 रुपये बढ़ जाएगी, यानी सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी ही तेजी से गिरावट आई, जहां साल के शुरुआत में कच्चा तेल $67 प्रति बैरल यानी 30.8 रुपये प्रति लीटर था, वहीं अब 12 मार्च के हिसाब से देखें तो कच्चे तेल की कीमत $38 प्रति बैरल यानी 17.79 रुपये प्रति लीटर हो गया। इसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल की कीमतें उतने कम नहीं हुए जितने उन्हें होने चाहिए थे। तो अब सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे तय किए जाते हैं। तो अगर सिर्फ टैक्स की बात करें तो 12 मार्च तक के आंकड़ों के हिसाब से हम प्रति लीटर पेट्रोल पर 34.89 यानी 49.7% टैक्स दे रहे थे, जो अब 3 रुपये और बढ़ जाएगा। वहीं प्रति लीटर डीजल पर 25.6 रुपये यानी 39.8% टैक्स वसूला जा रहा था और ये भी अब 3 रुपये और बढ़ जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद डीजल पेट्रोल की कीमतें कुछ खास कम नहीं हुई, यानी कि सारा फायदा तेल कंपनियां रख रही थी। अब तेल कंपनियों का फायदा कम होगा और सरकारी खजाने में प्रति लीटर 3 रुपये बढ़ेंगे। तो 100 बात की एक बात यह है कि ग्राहकों के लिए डीजल पेट्रोल की कीमतें वैसे ही रहेंगी जैसे पहले से चली आ रही थी। सरकार की तरफ से ना तो ग्राहकों पर कोई बोझ डाला गया है और ना ही किसी तरह की राहत दी गई है, बस सरकारी खजाने में इजाफा होगा। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।